हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कंचन अपनी बहू मधु से बहुत प्यार करती थी और हमेशा उसका ध्यान रखा करती। मधु के पति का देहांत शादी के कुछ सालों बाद ही एक कार एक्सीडेंट में हो गया था। तब से अपनी बहू को विधवा के रूप में देखकर कंचन का जी जला करता था। एक दिन वो यही सब सोचते हुए भगवान की मूर्ति के आगे कहती है, भगवान तू मुझे ऐसे दिन क्यों दिखा रहा है? आखिर तूने तो मुझे विधवा कर ही दिया था, लेकिन अब मेरी बहू का सुहाग और मेरा बेटा भी मुझसे छीन लिया। क्यों भगवान, आखिर क्यों किया तूने ऐसा? कंचन ये सब बोलकर रो रही थी कि तभी वहाँ पर मधु आती है और कहती है, माँ जी जो होना था वो तो हो ही गया, अब परेशान क्यों हो रही है? शायद हम दोनों विधवा सास बहू की किस्मत में यही लिखा हुआ है। मधु इतना कहती है कि तभी डोरबेल बजती है और सामने कंचन की बहन जया और बेटा धीरू खड़े थे, जिनको देखकर कंचन खुश होते हुए उनके गले लग जाती है और कहती है, अरे जया, इतने सालों बाद आज तेरा यहाँ आना कैसे हुआ? वो कंचन, तेरे बेटे की खबर सुनी तो रह नहीं पाए, लेकिन तब आना हो ही नहीं पाया था तो मैंने सोचा कि तेरा हाल पूछने ही आ जाऊं, और यहाँ पास ही किसी से धीरू की शादी की बात चलवाई है, वो काम भी हो जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अब जब तू यहाँ आई है तो दो चार दिन रुक कर ही जाना। कंचन ये कहती है कि तभी मधु सब के लिए चाय पानी लेकर आती है और सब लोग मिलकर ढेरों बातें करते हैं। वहीं धीरू मधु को देखकर दिल ही दिल में उसे पसंद करने लगता है, लेकिन वो जानता था कि वह उसकी भाभी है और उसकी कुछ मर्यादाएं हैं, इसीलिए वो अपनी भावनाओं पर काबू रखने की कोशिश करता है। एक दिन मधु बाजार जा रही थी और धीरू उसे देखकर कहता है, अरे आप कहाँ जा रही हैं? मौसम बिगड़ने वाला है। जानती हूँ, लेकिन घर में सब्जी खत्म हो गई है और आज सब्जी वाला भी नहीं आया, इसलिए मुझे खुद ही आज सब्जी लेने जाना होगा। बारिश का मौसम है, ये भीग जाएगी, और इतना भारी सब्जी का थैला ये बारिश में कैसे उठा कर लाएगी? एक काम करता हूँ, छुपकर इसके पीछे चला जाऊंगा और अगर इनसे थैला नहीं उठा तो कह दूंगा कि अचानक मैं इनको मिला। अरे तुम कहाँ खो गए, कुछ मंगवाना था तो बता दो। नहीं नहीं आप जाओ, मुझे कुछ नहीं मंगवाना। धीरू की बात सुनकर मधु सब्जी लेने चली जाती है और धीरू छुप कर उसके भले के लिए उसके पीछे जाता है और मधु को कुछ लड़के परेशान करने लगते हैं और कहते हैं, मैडम कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कवारों को कितना सताओगी रानी। मैडम कहो तो हम आपको घर छोड़ दें। धीरू से ये सब देखा नहीं जाता और वो वहाँ जाकर उन लड़कों से लड़ाई करके उन्हें खूब मारता है, जिसके बाद वो मधु के साथ घर आने लगता है और तेज बारिश में दोनों घर आ रहे थे। बिजली कड़कने पर मधु धीरू के गले लग जाती है और ये सब उनकी पड़ोसन विमला देख लेती है और कहती है, इन दोनों को तो शर्म ही नहीं आ रही है, अरे विधवा के नाम पे कलंक है ये औरत, कल ही जाकर इसकी सास को सब कुछ बता दूंगी। ये कहकर विमला उन दोनों की तस्वीर खींच लेती है और अगले दिन जब मधु छत से कपड़े उतार रही थी तो धीरू भी वहाँ आता है और उसे देख रहा था। मधु उसे अचानक देखकर कहती है, आप यहाँ छत पर क्या कर रहे हैं, बहुत तेज धूप है, आप काले हो जाएंगे। आप भी तो इतनी गोरी हैं, आप काली नहीं हुई तो मैं तो सांवला हूँ, मैं क्या ही काला हो जाऊंगा। आप भी क्यों मजाक कर रहे हैं? नहीं मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इतनी सुंदर लड़की आज से पहले कभी नहीं देखी। मधु ये सुनकर हंसने लगती है और धीरू मधु दोनों कई देर तक छत पर बातें करते हैं। ये सब विमला अपने घर की छत से देख रही थी और अपने घर की छत से ये सब देखकर वो कहती है, आए हाय, ये विधवा सास की विधवा बहू क्या रंगरलिया मना रही है, मुझे इस बारे में इसकी सास को बताना ही पड़ेगा, आखिर मैं विमला शर्मा बनारस वाली जो हूँ। विमला ये बात अपने लटे घुमाते हुए कहती है और उसके बाद कंचन के घर आती है, जहाँ जया और कंचन बैठकर चाय पी रहे थे, जिसके बाद विमला शर्मा बनारस वाली आकर उन दोनों के कान भरने लगती है। भगवान झूठ न बुलवाए, कंचन बहन मैं और तुम भी विधवा हैं, लेकिन मजा ले कि हम दोनों ने कभी अपनी मर्यादा को लांगा हो तो। तुम कहना क्या चाहती हो विमला बहन, साफ साफ बोलो ना। कहना क्या है, मैं तो छत पर सूखे कपड़े उतारने गई थी और मैंने देखा कि तुम्हारे घर की छत पर तोता मैना चौंच लड़ा रहे हैं, बाकी तुम खुद समझदार हो, समझ जाओ। और कल तो मैंने दोनों को बीच रोड में गले लगते हुए देखा, अब मेरी बात को यकीन मानो या मत मानो, मैंने दोनों की फोटो तुमको व्हाट्सएप कर दी है। विमला ये कहकर उन दोनों की फोटो कंचन को भेजकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो अपने घर आकर बोलती है, अब आएगा ना मजा,
मधु को बड़ा शौक है ना विधवा होकर भी लड़कों से बात करने का, इसे तो मैं बताऊंगी। अरे मैं भी तो विधवा हूँ, मैं तो किसी से बात नहीं करती, फिर वो क्यों करे। विमला तो ये कहकर चली गई थी, लेकिन मधु ने ये बातें छुपकर सुन ली थी, जिसके बाद वो वहाँ से रोते हुए अपने कमरे में जाती है। वहीं जया कंचन से कहती है, अगर तुझे बुरा ना लगे तो मैं अपने बेटे की शादी तेरी बहू से करवाना चाहती हूँ। क्या सच? तूने तो विधवा सास की विधवा बहू पर एहसान कर दिया बहन। मैंने मधु को अपनी बेटी माना है और उसको विधवा देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। तो अब दुखी नहीं, खुश हो जा, समझी? जब दुनिया वाले ऐसी बातें बना ही रहे हैं तो हम सच में धीरू और मधु की शादी करवा देते हैं। जया और कंचन ये कहकर एक दूसरे के गले लग जाती हैं। इस बात से अनजान मधु इस कलंक को बर्दाश्त नहीं कर पाती और जहर खा लेती है, जिसके बाद वो तड़पने लगती है। तभी ये खुशखबरी देने के लिए कि धीरू की शादी मधु से होने वाली है, वो लोग वहाँ आते हैं और मधु तड़प रही थी। ये देखकर कंचन उसके पास आकर कहती है, मेरी बच्ची ये तूने क्या कर दिया। माँ जी, मैंने कभी आपकी इज्जत को झुकने नहीं दिया है, और फिमला आंटी मेरी वजह से आपको उल्टा सीधा सुना कर चली गई। मुझे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। मैंने तुझे अपनी कभी भी बहू नहीं माना, हमेशा तुझे अपनी बेटी माना है। तू अपनी माँ को छोड़कर इस दुनिया से नहीं जा सकती। तुझे कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, तू किसी बाहर वाले की बात को सुनकर अपनी जान कैसे दे सकती है। जया इतना कहकर जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाती है, जिसके बाद दोनों मिलकर उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसका इलाज शुरू करवाते हैं। ये सारा नजारा उसके आस पड़ोस वाले सभी लोग देख रहे थे। विमला भी ये सब देखकर घबरा जाती है। वहीं धीरू भी विमला के पास आकर कहता है, आप तो जानती हैं कि एक विधवा की जिंदगी कितनी मुश्किलों भरी होती है, फिर भी आपने मधु के साथ ऐसा क्यों किया? मैं उसे चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने समाज की इज्जत की और आपने, छी। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे ये नहीं पता था कि वो जहर खा लेगी। अगर आपको किसी से माफ़ी मांगनी है तो हॉस्पिटल आकर मधु से मांगो, मुझसे नहीं, समझी आप? चल बेटा, मैं भी तेरे साथ अस्पताल चलती हूँ, शायद मेरे पाप भी थोड़े कम हो जाएं। धीरू के साथ विमला भागते हुए अस्पताल आती है, जहाँ मधु की हालत खराब थी। कुछ घंटों के इलाज के बाद उसकी सेहत में सुधार था, जिसके बाद विमला मधु के पास आकर कहती है, मुझे माफ़ कर दे बेटी, मैंने तेरे साथ गलत किया, तेरा नाम बदनाम करने की कोशिश की, पर मुझे नहीं पता था कि तू ऐसा कदम उठा लेगी। आंटी, एक लड़की के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ होती है, और जब कोई उसकी इज्जत पर बदनामी की छींटे मारता है ना, तो वो लड़की सांस नहीं ले पाती, तो मैं कैसे जी पाती। ये सब बातें चल रही थी कि तभी वहाँ पर धीरू कहता है, मधु मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं जानता था कि तुम मुझे कभी नहीं अपनाओगी, इसीलिए मैंने अपने दिल की बात कभी तुमको नहीं बताई, लेकिन अब बहुत हो गया, मैं तुम पर और आँच आते हुए नहीं देख सकता। धीरू ये बोलकर अपने अंगूठे को काट कर अपने खून से मधु की मांग भर देता है, और विधवा सास की विधवा बहू को अपना नया ससुराल मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।